फिर सर ये तो उसमें बहुत बड़ी हमारा, अचीवमेंट है मोदी जी की। मैंने गहरे समुन्दर के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। और हमारे यहाँ यकीन करें पाकिस्तान में बहुत से लोग बहुत हैरान होते हैं कि मोदी जी इस एज में जो है वो अंडर वाटर स्विमिंग, मतलब मजाक नहीं है, पूजा के लिए वो गए थे कहा जा रहा है। मोदी जो भी है इंडियन, बेशक उसके ऑपोजिशन में बैठा है, लेकिन उसे पता है कि भाई वो इंडिया के लिए बेहतरीन कर रहा है। अंडर वाटर पूजा की है उन्होंने तो द्वारका में। आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था, मैं पुरातन वही भव्यता वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। अपने मजहबी रसूमात को अदा करने के लिए सर समंदर की गहराई में खुद वो बंदा गया। देखिए मोदी साहब ने परफॉर्म करके दिखा दिया, इसके उसे देखे उनकी लिस्ट है। आप बॉर्डर खोल दें आज इंडिया का, हम कसम खुदा की इंडिया चले जाएंगे। आप देखें कितना बूढ़ा आदमी अपने मुल्क के लिए कितने जतन कर रहा है। तो विच शोज की इंडियन सिविलाइजेशन कितना पुराना है। जो लोग कहते हैं इसको 3,000-5,000 साल पुराना है, दैट इज नॉट रियली करेक्ट। उससे भी कई साल पुरानी हमारी सिविलाइजेशन है। अपने मजहबी रसूमात को अदा करने के लिए सर समंदर की गहराई में खुद वो बंदा गया। आप देखें कितना बूढ़ा आदमी अपने मुल्क के लिए कितने जतन कर रहा है। टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए उसने नीचे दिखाया कि भाई इतना पुराना शहर है जो कि हमारे लॉर्ड ऑफ कृष्णा का शहर है, आप लोग यहाँ पर आएँ विजिट करें। आप देखें वो बंदे ने वहाँ पर डुबकी लगाई तो कितने लोग आएंगे दरिया में जाने के लिए। वहाँ के लोकल टूरिज्म भी आएगी और वहाँ पर बिल्डिंग्स बनेगी, प्रमोट करेगा टूरिज्म को। कैसा विजन लेके आया वो बंदा, और हमारा कोई पॉलिटिशियन इस तरह के विजन रखता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल हमारा कोई पॉलिटिशियन इस तरह का विजन रखता। लेकिन आजकल मोदी जी बड़ी स्विमिंग कर रहे हैं हर थोड़े दिन के बाद जो है, ये हो क्या रहा है ये बताइए मुझे। ये देखिए वैसे लगते भी बड़े मजे के। और हमारे यहाँ यकीन करें पाकिस्तान में बहुत से लोग बहुत हैरान होते हैं कि मोदी जी इस एज में जो है वो अंडर वाटर स्विमिंग, मतलब मजाक नहीं है ये, कि बहुत एक मतलब या तो उन्हें शुरू से बहुत शौक रहा होगा या क्या। तो अब ये क्या उन्होंने कि पूजा के लिए वो गए थे कहा जा रहा है। हाँ, तो ये अंडर वाटर पूजा की है उन्होंने तो द्वारका में। तो क्योंकि द्वारका भगवान श्री कृष्ण की नगरी थी, वो अब काफी नीचे है समुद्र में। तो क्योंकि आपको पता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो समुद्र का लेवल बढ़ता है तो सिटीज उसके अंदर समा जाती हैं। तो ये आपका अंडर वाटर है ये, तो उन्होंने स्कूबा डाइविंग करी। आपको पता है चूंकि ये गुजरात में है तो वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया है, तो अरेबियन कोस्ट पे ये था, उस बीच का नाम पंचकुई बीच है। और उन्होंने उसके अंदर जा कर के एंशिएंट सिटी जो है भगवान श्री कृष्ण की, वहाँ पे पूजा ऑफर की। और भगवान श्री कृष्ण भारत की मतलब जैसे भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उसी तरीके थे भगवान श्री कृष्ण की जो मतलब जो सांसारिक जीवन है उसमें मोरालिटी के साथ, सिर्फ मोरालिटी से काम नहीं चलेगा। आप सिर्फ पीड़ा सहे उससे नहीं होगा, आपको वो भी सहना पड़ेगा, मतलब आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा अपने अपने एनिमी से कैसे आप वो करें। तो वो एक स्टेट्समैन है भगवान श्री कृष्ण, एक स्ट्रेटजिस्ट है भगवान श्री कृष्ण। तो उनका है गुजरात, वो मथुरा में पैदा हुए, गुजरात में जाके उनकी उन्होंने अपना राज्य किया जो द्वारका थी। और द्वारका आज भी जो है वो समुद्र के नीचे मिलती है, और कहा जाता है कि यो कम से कम 20-25 हज़ार साल पुराना है, आप मुझे एग्जैक्ट तो नहीं आते। तो विच शोज की इंडियन सिविलाइजेशन कितना पुराना है। जो लोग कहते हैं इसको 3,000-5,000 साल पुराना है, दैट इज नॉट रियली करेक्ट। उससे भी कई साल पुरानी हमारी सिविलाइजेशन है। तो ये वही है, वो चूंकि गुजरात के ही हैं तो उन्होंने द्वारका में जाके भगवान श्री कृष्ण का जो जो डूबा हुआ उनका राजमहल है या जो शहर है उस पे उन्होंने वहाँ पे उन्होंने अंडर वाटर पूजा पाठ की। और सुदर्शन सेतु का वो करने गए थे, केबल स्टाइल ब्रिज खुला है हमारे यहाँ पे, उसका इनॉग्रेशन में गए थे, तो उन्होंने दोनों काम कर लिया। तो ही इज रिवाइविंग स्पिरिचुअल इंडिया। इंडिया को मटेरियलिज्म पिछले 70 साल से बनाने की कोशिश की गई, इंडिया के स्पिरिचुअलिज्म को समाप्त करने की कोशिश की गई, वो उसको रिवाइव कर रहे हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड विद व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज डूइंग। ये सौभाग्य है भारत का कि हमें इतना कर्मयोगी, धर्मयोगी और राजयोगी प्रधानमंत्री मिला। शायद भारत माता को तरस आ गया कि भाई बहुत दिन हो गया एक अच्छा लीडर भारत को दिया जाए जो
जो जो हमारी भावनाएं हैं उस हिसाब से काम करें, और मोदी जी हमारी जैसे छोटे छोटे जो गिलहरियां हैं उन सब की भावनाओं को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम जब भगवान हम किसी अपने आराध्य की पूजा करते हैं तो किसी और के आराध्य का हम निरादर नहीं करते, ये बात को स्थापित होना बहुत जरूरी है कि अगर जब मैं कहता हूँ कि राम राम तो किसी का निरादर नहीं है, लेकिन आपको यदि मेरे राम राम से बुरा लग रहा है तो कुछ सोचिए ये मेरी गलती है कि आपकी गलती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हमने राम मंदिर जिस वक्त इनॉग्रेट करने जा रहे थे मोदी जी, उससे कुछ दिन पहले भी हमने देखा कि वो अंडर वाटर या कुछ किया था उन्होंने, उसमें उस वक्त भी सब लोग कह रहे थे बड़ी ठंड है तो मोदी जी जो है वो स्विमिंग कैसे कर रहे हैं, या नहीं पानी डाल रहे थे अपने ऊपर ऐसा कुछ था, तो उस वक्त लोग कहने लगे कि कई लोगों ने मुझे लिखा कि नहीं ये कौन से एरिया में थे वो भारत के, तो कहा कि नहीं वहाँ इतनी सर्दी नहीं होती, इतनी ठंड नहीं होती है, ये भी कहा गया। लेकिन ये जरूर है कि वो जैसे आप बात कह रहे हैं तो बिल्कुल मैं तो इससे 100% एग्री करती हूँ कि आप कहें या कोई भी कहे किसी के राम राम कहने से किसी दूसरे के रिलीजन को कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता, होना भी नहीं चाहिए। और मुझे नहीं पता लोग इस किस्म की सोच जो है वो क्यों रखते हैं। वैसे अभी तक मेरे एक दोस्त आ रहे थे पिछले दिनों, बल्कि उन्होंने विजिट किया था जब ये चल रहा था ना टेनिस मैच चल रहा था पाकिस्तान और भारत का, तो जब आए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या लेकर आऊं, तो मुझे उस वक्त समझ नहीं आई, बाद में मुझे बड़ी हैरत हुई कि पाकिस्तान से मुझे लोगों ने कहा कि तुम राम मंदिर का मॉडल मंगवा लेती। तो मैं सोचती रही, मैंने कहा मुझे लग रहा है सुपारी ली है मेरी, इसलिए कि मैं यहाँ राम मंदिर का मॉडल रखूंगी, इसे पक्का मुझे मरवाना है। तो लेकिन बाद में और भी कई लोगों ने कहा पाकिस्तान से, तो मैंने कहा अच्छा चलो पाकिस्तानियों की सोच इतनी खुली है। आपको लगता है सर सोशल मीडिया कोई रोल प्ले कर रहा है पाकिस्तान के लोगों की सोच को बदलने में? मेरा तो अच्छा एक्सपीरियंस है सो कॉल्ड, मैंने आप कल हम लोग की बातचीत भी हुई थी आरजू जी, और मैं ये कहता दोनों तरफ एक फियर है, एक फियर तो है और वो जेन्युइन है हमारा बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। आपको नहीं लगता कि हमारे मुल्क में ये अलग किस्म का नया किस्म का सियासी निजाम है? पूरी दुनिया हम पर हंस रही है भाई, इंडिया हमारा मजाक उड़ा रहा है कि इलेक्शन के नाम पर पाकिस्तान में क्या ड्रामा किया जा रहा है। देखिए राहुल गांधी को ये पता है कि मोदी पैसे खाएगा नहीं, इमरान खान को पता है कि ये पैसे खा जाएंगे, क्योंकि मोदी जो भी है इंडियन बेशक उसके ऑपोजिशन में बैठा है लेकिन उसे पता है कि भाई वो इंडिया के लिए बेहतरीन कर रहा है। पिछले 10 साल से हमने इंडिया को नहीं देखा, आप इंडिया की आईटी देखें, आप टेस्ला की बात कर लें, आप उसके बाद चंद्रयान की बात कर लें, आप उसकी वो तो भाई अपनी फार्मिंग में AI लेके वो लोग चांद पे चले गए हैं और हम आज भी पाकिस्तान में बैठ के चांद पे पहुंचे हुए हैं। कामरान आप क्या कहेंगे इस सारे मामले पर? सीधी सी बात है, जो इंडिया के लोग हैं ना, मैं कहता हूँ उनको जो शोर आज से 15 साल पहले आ गया था ना, वो हमारी आवाम को इमरान खान के आने के बाद आया है। इंडिया के लोगों को देखो, उनको पता है कि हमने जिस बंदे को वोट लिया उसे हमने बेनिफिट लेना है तो ही वो उसको यानी कि वोट देंगे। पाकिस्तान के अंदर कहाँ पे ये नहीं आया, उन्हें 75 साल पहले ही आ गया था, उन्होंने जान छुड़वाई हमसे, आप बॉर्डर खोल दें आज इंडिया का, हम कसम खुदा की इंडिया चले जाएंगे। जो हमारे मुल्क की सूरत हाल कर दी है ना चोरों ने डुकेटों ने, हमारे सारे दारे करप्ट हैं, कोई अदारा नहीं ठीक ना, कोई आप एक बता दे, आप कह रहे हैं कोई भी नहीं ठीक है, कोई भी ठीक नहीं है, गरीब बंदा तो पीस रहा है, चक्की पीस रहा है, हम कमा रहे हैं, इनके बच्चे भाई कर हम कमाते हैं, इनको टैक्स देने के लिए है, हम कमाएंगे तो टैक्स जाएगा ना, कमाते हैं इनके लिए, इनके बच्चों की याशी के लिए।